हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमाचल तक। आइए शुरू करते हैं हिमाचल के मुख्य समाचार। गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। CBI द्वारा पेश किए गए चलान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और ₹10,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा कि फैसले के खिलाफ वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हिमाचल के गांवों में स्लॉट बुकिंग का झंझट खत्म, शहरों में अभी जारी। इसके लिए लोगों को एक दिन पहले 12 से 1 बजे के बीच स्लॉट बुक करना होगा। ये दिशा निर्देश 21 जून 2021 से प्रभावी होंगे। जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों का 100% टीकाकरण 25 जून 2021 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टेट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव। कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट के शेड्यूल में बदलाव किया है। अब टेट की परीक्षा 9 जुलाई से 12 जुलाई तक होगी। इससे पहले ये परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होने वाली थी। अभ्यर्थी 21 जून तक लेट फीस के साथ टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुद्धियों के लिए दिए गए 3 दिन के समय में भी बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी 22 जून से 24 जून तक स्वयं ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। ये परीक्षा 9 जुलाई से सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक 2 सत्रों में होगी। 9 जुलाई को सुबह के सत्र में JBT और दूसरे सत्र में शास्त्रीय विषय की परीक्षा होगी। इसके अलावा 10 जुलाई को सुबह के सत्र में TGT नॉन मेडिकल और दूसरे सत्र में भाषा अध्यापक, 11 जुलाई को सुबह TGT आर्ट्स और सायंकालीन सत्र में TGT मेडिकल विषय की परीक्षा होगी। 12 जुलाई को सुबह पंजाबी और सायंकालीन सत्र में उर्दू विषय की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ही वसूलेगा NIT हमीरपुर। BOG की बैठक में हुआ फैसला। इस निर्णय के बाद सभी छात्रों का प्रति सेमेस्टर ₹5,250 शुल्क माफ़ होगा, जबकि पुराने छात्रों को उनकी तत्कालीन फीस के मुताबिक ₹4,300 माफ़ हो जाएंगे। 8 श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट का शेड्यूल तय। बंदिशें कम होते ही HPU में शिक्षक भर्ती ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें कम होते ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार पकड़ ली है। VV ने 15 जून से फिजिक्स में साक्षात्कार शुरू करवा दिए। 15 और 16 जून को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई और 19 जून को कॉमर्स विभाग की। यही नहीं, 20 और 21 जून को अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षकों के इंटरव्यू रखे गए हैं। 22 और 23 जून को इतिहास विभाग, 24 और 25 जून को बायोसाइंस विभाग के इंटरव्यू करवाए जाने हैं। शिक्षकों के पदों की भर्ती को रहे इन साक्षात्कारों में प्रदेश और प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार भी भाग लेने पहुंच रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रमोट किए SOS 8वीं कक्षा के विद्यार्थी। 10वीं कक्षा के SOS परीक्षार्थियों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के SOS के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर दिया है। अब ये विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। 609 परीक्षार्थियों ने सभी विषयों जबकि 94 परीक्षार्थियों ने रीअपियर की परीक्षा देनी थी। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत। 307 नए पॉजिटिव केस। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 3,193 रह गए हैं। अभी के लिए इतना ही। हिमाचल से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिमाचल तक के साथ। धन्यवाद।